Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. ठीक है बालाज. तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. रैम्बो लेगा अपनी फैमिली की मौत का बदला. क्या रैम्बो ले पाएगा अपनी फैमिली की मौत का बदला? क्या मकसद है इस सब के पीछे? कौन करवा रहा है ये सब? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में. जैसा कि हम सब ने पिछली वीडियो में सुना था, असैसिन्स ने रैम्बो की फैमिली और उसके साथियों को मार दिया है. रैम्बो उन सब असैसिन्स को मार देता है, लेकिन एक असैसिन बच के निकल जाता है. रैम्बो उस असैसिन को पकड़ने के लिए मिशन पर जाता है. चलिए जानते हैं रैम्बो आगे क्या करता है. रैम्बो समीर और सीक्रेट सर्विस की ब्लैक ऑप्स की टीम के साथ निकलता है. उनका प्लान पाकिस्तान में हालो जंप करने का था. कुछ देर बाद उनके एयरप्लेन को पाकिस्तानी फाइटर जेट्स इंटरसेप्ट कर लेते हैं और अटैक कर देते हैं, जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है. रैम्बो प्लेन के मेबी से कुछ जरूरी सामान और एक इन्फ्लेटेबल बोट निकालने के लिए गोता लगाता है. टीम लाहौर पहुंचती है और वहां पर राकेश मिलता है. रैम्बो को लगता है कि उनकी जानकारी लीक होने के पीछे राकेश का हाथ है. राकेश यकीन दिलाता है कि इस सब के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है, और वो टीम को फारूक के पास ले जाता है, जहां पर रैम्बो फारूक से बात करने जाता है तो देखता है कि फारूक सुसाइड जैकेट पहनकर बैठा हुआ है. रैम्बो को पता चलता है कि फारूक सीक्रेट सर्विस का अंडरकवर एजेंट है और वो डिफेंस सेक्रेटरी मोहन के लिए काम करता है. फारूक अपने आप को सुसाइड जैकेट की मदद से ब्लास्ट कर लेता है. टीम पर स्नाइपर्स से हमला किया जाता है. वहां पर पुलिस भी आती है. रैम्बो समझ जाता है कि ये मिशन एक सेटअप था, जिसमें इंडियन सोल्जर को पाकिस्तानी जमीन पर मारना था, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर स्टार्ट हो सके. रैम्बो अपनी टीम को वहां से सेफ जगह पहुंचाने के लिए कवर देता है. रैम्बो की टीम वहां से निकल जाती है और रैम्बो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है. रैम्बो पुलिस वालों का ध्यान हटाने के लिए धमाका करता है. रैम्बो पुलिस यूनिफॉर्म और एक एम्बुलेंस चुरा कर वहां से निकल जाता है. रैम्बो और उसकी टीम एक बोट की मदद से पाकिस्तान से बाहर जाती है. राकेश रैम्बो को आधिकारिक तौर पर डेड घोषित करता है, जिसमें रैम्बो को गद्दार को पकड़ने की इजाजत दी जाती है. दिल्ली में रैम्बो मोहन से मिलता है और उसे जबरदस्ती उसकी कार में बैठा देता है. रैम्बो मोहन को उसकी फैमिली को जान से मारने की धमकी देता है. मोहन कबूल करता है कि इस सब के पीछे वो ही था, उसी ने रैम्बो की फैमिली और साथियों को मरवाया है. मोहन कहता है कि उसने ये सब इसीलिए किया था ताकि दोनों कंट्रीज के बीच वॉर स्टार्ट हो जाए, जिससे उसे और कुछ लोगों को फायदा होता. रैम्बो मोहन के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग कर लेता है. कुछ दिनों बाद दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन पर समीर रैम्बो को उसकी नई पहचान देता है, जो राकेश ने बनाई होती है. रैम्बो वहां से अपने नई पहचान लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल जाता है. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. धन्यवाद.